सभी को पुनः नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। और आज पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए टॉपिक को लेकर। जो टॉपिक है उसका शीर्षक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं अवभव का सिद्धांत। तो परमाणु संरचना जिसकी बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें आज इस टॉपिक के बारे में हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आशय है कि परमाणु में विद्यमान विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण जो है वो किस प्रकार से है और उस व्यवस्था को जो है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है वो विभिन्न कक्षकों में किस प्रकार से अरेंज होते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जो है समझाने के लिए अवभव ने एक सिद्धांत दिया था। अवभव एक्चुअली एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। तो अवभव सिद्धांत मुख्य रूप से जो है इसमें चार नियम जो है वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं और उसे ही हम संयुक्त रूप से अवभव प्रिंसिपल कहते हैं। तो हम एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे। इस अवभव सिद्धांत के जो चार घटक हैं उसमें पहला है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दूसरा है हुंड का अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत या हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तीसरा है एन प्लस एल का नियम और चौथा है अर्ध भरे व पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के बारे में। पाउली का जो अपवर्जन सिद्धांत है उसके अनुसार उन्होंने ये कहा कि किसी भी परमाणु में उपस्थित दो कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी हम बात कर रहे हैं, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिसकी की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान हो। यानी कि हम देख सकते हैं किसी भी एक परमाणु में या किसी तत्व के अंदर स्थित दो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी तीन क्वांटम संख्याएं तो समान हो सकती हैं लेकिन चारों क्वांटम संख्याएं जो हैं वो कभी भी समान नहीं होंगी, ऐसा पाउली ने बताया था। इसके अनुसार परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से भिन्नता रखता है। किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए तीन क्वांटम संख्याएं, जैसे हमने कल हमारे लेक्चर में बात किया था कि मुख्य क्वांटम संख्या n से, l से दिगंशी क्वांटम संख्या और m से चुंबकीय क्वांटम संख्या, इन तीनों का मान तो समान हो सकता है लेकिन जो चौथी क्वांटम संख्या जिसको हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं उसका मान अवश्य रूप से भिन्न होगा। इस नियम के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कक्षक में अधिकतम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं जिनका चक्रण जो है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। तो ये है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत जिसके अनुसार किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं जो हैं वो कभी भी समान नहीं हो सकती। अगला नियम हम लेते हैं वो है हुंड का नियम। इसे हम हुंड के अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब भी समान ऊर्जा वाले कक्षकों, जैसे हम देखते हैं पी डी और एफ उपकक्ष जो हैं, इसके अंदर जो विभिन्न कक्षक हैं उनमें जब हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं या जब इनमें इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है तो वे तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता। अर्थात इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में रहना अधिक पसंद करते हैं और सभी का चक्रण भी एक ही दिशा में होता है। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो अगर एक जैसे समकक्ष जो है वो ऑर्बिटल अगर मौजूद हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो उनकी पेयरिंग नहीं होगी, पहले सब जो है एक सिंगली ऑक्यूपाइड रहेंगे, यानी कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रूप से भरा जाएगा और उसके पश्चात जो है फिर इलेक्ट्रॉन का उसमें युग्मन होगा।
ये बात जो है हुंड ने बताई। और इसके मुख्य रूप से हम देखते हैं कि इसके दो कारण हैं। पहला है कि इलेक्ट्रॉन जब अलग अलग कक्षकों में जाने के कारण जब अलग अलग कक्षकों में जाते हैं तो उनके मध्य जो है दूरी हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि उनका जो प्रतिकर्षण है, प्रतिकर्षण बल जो है उनके मध्य वो कम हो जाता है। दूसरा है पी उपकोश में इलेक्ट्रॉन चक्रण एक ही दिशा में होने के कारण उनकी ऊर्जा में कमी आती है। तो हम देखते हैं कि जब अलग अलग कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उन सब का जो ओरिएंटेशन है, उनका जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में होता है, इस कारण से जो है उसकी ऊर्जा में ये कमी आती है। लेकिन ये नियम जो है ये एस उपकक्ष के लिए लागू नहीं होता है। तो अब देखते हैं हम आगे इसको, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देख सकते हैं 1s2 2s2 एंड 2p3 होता है। अब 2p3 में p जो उपकक्ष है उसमें जो 3 ऑर्बिटल हैं उनमें कुल मिलाकर 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उसमें होते हैं। तो अब जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से अगर हम ऐसा कहें 2px2 हो गया, 2py1 हो गया एंड 2pz0 हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। वरन जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इस प्रकार से होता है 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1, यानी कि px py और pz तीनों में एक एक करके इलेक्ट्रॉन जो है वो आता है। अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सदैव समानांतर चक्रण वाले होते हैं, उससे इनमें विनिमय ऊर्जा के मुक्त होने के कारण तंत्र में स्थायित्व आ जाता है। तो एक विनिमय ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है जिसके कारण जो पूरा सिस्टम है वो स्टेबलाइज हो जाता है। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि ऐसा ऑर्बिटल्स जिसके अंदर जो है समान ऊर्जा के कई सारे ऑर्बिटल उपलब्ध हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पहले चक्रण नहीं होता, पहले सभी जो ऑर्बिटल्स हैं वो सिंगली ऑक्यूपाई होते हैं और उसके बाद में उनका युग्मन होता है। तो हम देख सकते हैं नाइट्रोजन के बाद में जो अगला तत्व आता है ऑक्सीजन, उसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ px कक्षक जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्योंकि वहाँ पर अब जो है तीनों p ऑर्बिटल्स जो हैं वो सिंगली ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। तो अब p कक्षक जो है वो px के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें आते हैं। तो ये है हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम। अब हम तीसरे अवभव सिद्धांत के अंदर तीसरे नियम की बात करते हैं, जो है n प्लस l का नियम। अभी जो n प्लस l का नियम है इसको हमें समझना है। n का मतलब है मुख्य क्वांटम संख्या और l का मतलब है दिगंशी क्वांटम संख्या। तो किसी कक्षक के लिए मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या का योग जो है उसको हम कहते हैं n प्लस l। तो ये क्या कहता है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम जो है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम इसकी ऊर्जा के अनुसार होता है। सर्वप्रथम जो है वो निम्नतर ऊर्जा वाले कक्षक भरे जाते हैं, फिर क्रमशः उससे उच्चतर ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यह नियम अवभव ने सबसे पहले दिया था। तो यानी कि हम जब हम ऑर्बिटल को भरेंगे तो n प्लस l को देखेंगे कि n प्लस l का जो योग है वो कैसा है। जिस कक्षक के लिए ये योग का मान कम है उनको पहले भरा जाता है, और जिसके लिए मान अधिक होता है उसे बाद में भरा जाता है। किस कक्षक की ऊर्जा कम है और किसकी अधिक, इसका निर्धारण करने के लिए अवभव ने यही n प्लस l का नियम सुझाया था, जिसके अनुसार जिस कक्षक के लिए n प्लस l का मान कम हो, निम्न हो, वहीं कक्षक जो है भरे जाते हैं। और यदि दो कक्षकों के लिए n प्लस l के मान समान हो तो पहले उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा जिसके लिए n का मान कम होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं 4s और 3d कक्षकों का उदाहरण हम लेते हैं। 4s कक्षक जो है उसके लिए n प्लस l का मान जो होता है वो कितना है, 4+0 यानी कि 4, 4। और 3d कक्षक के लिए n प्लस l का मान कितना होगा 3d कक्षक के लिए, तो n का मान हो गया 3 और d के लिए l का मान हो गया 2, तो कुल मिलाकर मान हो गया 5। तो ये दो कक्षक हैं 4s और 3d,
इसके लिए n प्लस एल के मान क्रमशः कितने हैं, 4 और 5। तो हम कह सकते हैं कि पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s कक्षक में भरा जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो है n प्लस एल का मान 4 है, और फिर 3d कक्षक में भरा जाएगा क्योंकि उसके लिए n प्लस एल का मान 5 है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं अगला उदाहरण कि 4p और 3d कक्षक की हम बात करें, 4p कक्षक के लिए n प्लस एल का मान कितना है, 4p कक्षक के लिए n प्लस एल का मान 5 है, यानी 4 प्लस 1, p कक्षक के लिए l का मान है 1, और 3d कक्षक के लिए जो है ये मान जो है वो भी जो है वो 5 है, यानी 3 तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, 3 तो, और d कक्षक के लिए जो द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान जो है वो 2 है, तो ये भी 3 + 2 मिलकर 5 हो गया। तो इस तरह से दोनों के लिए ये n प्लस एल की वैल्यू 5 है। तो अब इन दोनों कक्षकों में से किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, इसके बारे में वही हमने n प्लस एल नियम का जो दूसरा भाग है उससे समझते हैं कि जिसके लिए n का मान कम होगा, तो इन दोनों कक्षकों में हम देखते हैं कि 3d कक्षक के लिए n का मान कम है, तो इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में भरा जाएगा और उसके बाद में 4p कक्षक में भरा जाएगा। तो इस तरह से जो है n प्लस एल नियम के द्वारा हम देख सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा के क्रम को, भरने के क्रम को उसमें समझा सकते हैं। इस ओबव नियम का जो लास्ट पार्ट है वो है स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, यानी कि अर्ध भरे व पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व। देखिए, हम जानते हैं कि ऐसे जो उपकोष जैसे पी डी और एफ, जिसके अंदर एक से अधिक ऑर्बिटल जो है वो समान ऊर्जा के होते हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, अगर उनका अर्ध भरा हो या पूर्ण भरा हो तो वो स्थायी होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए देखें P3, D5, F7, इसी प्रकार से P6, D10, F14, ये जो सारे प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये जो है ये स्थायी होते हैं। और जो अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व जो होता है उसके क्या कारण हैं, तो उसके निम्नलिखित रूप से हम देख सकते हैं कि ये 3 मुख्य कारण हैं। यदि 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में प्रवेश करते हैं तो समान आवेश के कारण उसमें अंतर इलेक्ट्रॉनीय प्रतिकर्षण होता है, यानी कि समान आवेश के कारण उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो होता है, जिससे युग्मन के लिए काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षकों में प्रवेश करते हैं तो वो अंतर इलेक्ट्रॉनीय प्रतिकर्षण उसमें नहीं होता तथा स्थायित्व जो है उसका बढ़ जाता है। तो अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रहने से उनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो कम होता है, एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण है कि अर्ध भरे कक्षक परमाणु या आयन को सममित बना देते हैं, जिससे उनका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो जब भी हाफ फील्ड होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो सिमेट्रिकल हो जाते हैं, तो इसलिए उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और तीसरा है, किसी भी इलेक्ट्रॉनीय व्यवस्था के लिए स्थानीकरण ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा कक्षकों का स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो 4 सिद्धांत हैं इनकी इनको संयुक्त रूप से हम इनका उपयोग करके हम किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जो है हम समझा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, सबको नमस्कार।